नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल में जांच का दायरा बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए समन भेजेंगी। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ता नजर आ रहा है, वो नाम है दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का एक चैट सामने आया है जो तकरीबन 3 साल पुराना है। 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका और करिश्मा के बीच चैट हुई है जो सामने आई है। दीपिका करिश्मा को मैसेज करती हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है। करिश्मा कहती हैं कि हाँ, लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। करिश्मा इसके बाद मैसेज करती है कि अगर तुम कहो तो अमित से पूछ सकती हूँ। दीपिका कहती हैं कि हाँ प्लीज़। इसके बाद करिश्मा जवाब में मैसेज करती हैं कि अमित के पास है, वह लेकर जा रहा है। दीपिका पूछती हैं हैश भीड़ नहीं। करिश्मा कहती है हाँ हैश। इसके बाद करिश्मा दीपिका से पूछती है तुम कोको कब तक आ रही हो। दीपिका कहती है 12:30 या 12 बजे तक। इसके बाद दीपिका मैसेज में पूछती है कि शल वहाँ कब तक है। करिश्मा उनसे कहती है कि शायद 11:30 क्योंकि 12 बजे उसने दूसरी जगह जाना है। इस चैट में जो कोको का नाम इस्तेमाल किया गया है जो कि कमला मिल्स में एक रेस्टोरेंट है। दीपिका के नाम की चर्चा होने के बाद कंगना ने इस पर कमेंट किया है। कंगना ने ट्वीट किया, डिप्रेशन नशीली दवाओं के दुरुपयोग का परिणाम है। जिस कथित उच्च समाज में अमीर स्टार बच्चों को उत्तम दर्जे का होने का दावा किया जाता है और उनकी अच्छी परवरिश होती है, वे अपने मैनेजर से पूछते हैं कि माल है क्या। आपको बता दें कि एनसीबी ने सोमवार को सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा और सेलिब्रिटी मैनेजर श्रुति मोदी से ड्रग से जुड़े मामले में 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। एनसीबी ने ड्रग से संबंधित कथित चैट के लिए साहा से 5 घंटे तक पूछताछ की है। एनसीबी के एक सूत्र ने कहा कि साहा से कई अन्य हस्तियों और उनके साथ ड्रग चैट के बारे में भी पूछताछ की गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।